साल 2024 की धमाकेदार फिल्मों में से एक नाम जुड़ गया है बॉर्डर 2, जिसमें दिलजीत दोसांझ का नाम भी शामिल हो गया। इस नई फिल्म में दिलजीत सनी देओल के साथ मिलकर देश की रक्षा के लिए लड़ते नजर आएंगे। सनी देओल की बॉर्डर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है और इसके सीक्वल की घोषणा ने दर्शकों में एक नई उत्सुकता जगा दी है। फिल्म बॉर्डर 2 की घोषणा शुक्रवार को एक नए प्रोमो के साथ की गई, जिसमें सोनू निगम की आवाज में संदेश आते हैं, गाना सुनाई देता है और इसके साथ दिलजीत का नाम भी जोड़ा गया। प्रोमो में दिलजीत का एक देशभक्ति भरा डायलॉग भी सुनाई देता है, जिसमें वह देश की रक्षा करने की बात करते हैं। दिलजीत दोसांझ ने इस घोषणा को अपने इंस्टाग्राम पर भी साझा किया, जहां उन्होंने लिखा, पहली गोली दुश्मन चलाएगा और आखिरी गोली हम। ऐसी पावरफुल टीम के साथ खड़ा होकर और हमारे सैनिकों ने कदमों पर चलकर सम्मानित महसूस हो रहा है। सनी देओल ने पहले ही घोषणा की थी कि वह 1997 की फिल्म बॉर्डर में अपने फौजी किरदार को फिर से निभाएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी अनुराग सिंह के हाथ में है और फिल्म की कास्ट में वरुण धवन और आयुष्मान खुराना भी शामिल है। बॉर्डर 2 को इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसकी रिलीज 2025 में होगी।